हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। नमस्कार करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आरके डिजिटल स्कूल पे। सो फ्रेंड्स, आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग बियर। हाँ जी, आपने सही सुना, बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग बियर यानी कि बियर पीने के भी बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। लोगों के मन में ना होता है ना कि एक वहम बैठ चुका है कि यार बियर पीने से लोगों को नुकसान ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बियर पीने से बहुत फायदेमंद, बहुत उनको बेनिफिट्स होती है, उनके हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होती है। सो आज मैं आपको टॉप 10 ऐसे बताने वाला हूँ कि बियर पीने के आपको फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको अपने वीडियो की ओर ले चलता हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं बियर बेनिफिट्स की बात करूँ तो इसका मतलब होता है बियर इज मोर न्यूट्रिशियस देन अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो बियर होता है, आपके और भी जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ना, उनसे ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसका मतलब इनमें जो न्यूट्रिशन लेवल होती है, जो न्यूट्रिशन क्वान्टिटी होती है, ये ज़्यादा होता है देन अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स से। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, सेकेंड पॉइंट ये है कि बियर कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर हर्ट। हाँ जी, ये बात सही, जो बियर होता है वो आपके हर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बियर को हम एक हर्ट हेल्दी बोलते हैं। बियर पीने से आपके जो हर्ट होते हैं बहुत ही हेल्दी होता है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो बियर हेल्प प्रिवेंट्स किडनी स्टोन्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके किडनी में जो स्टोन्स होती हैं, बियर अगर आप पी रहे हो तो बियर पीने से जो किडनी के स्टोन्स होते हैं वो भी आपके एकदम नहीं होते, वो स्टोन्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि जो किडनी स्टोन्स होने की जो संभावना होती है वो आपकी एकदम कम हो जाएगी, वो होती। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं आपकी बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट ये है, बियर लोअर्स बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब होता है कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो खराब खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हो जाते हैं, तो उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल होती है ना, उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा बढ़ाता है ना ज़्यादा ही कम करता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो बियर स्ट्रेंथ योर बोन्स, यानी कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, आपकी जो बोन्स होती हैं, उनको ये क्या करता है, उनमें ताकत प्रदान करता है। मतलब उनको ये एकदम स्ट्रेंथ बनाता है, मजबूती देता है, ताकतवर करता है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ बियर पीने के फायदे। देन इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि बियर पीने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये तो आप एडवांटेजेस सुन रहे हो। उसके बाद की पॉइंट है बियर हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। हाँ, यानी कि आपके माइंड में जो स्ट्रेस होती है, जो स्ट्रेन लेवल होती है, उनको ये उनके जो परसेंटेज होती है, उनके रेशियो की क्या क्या करता है, ये स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है। उसके बाद बात करूँ बियर में हेल्प इम्प्रूव मेमोरी। हाँ जी, ये बात सही कि अगर आप बियर पी रहे हो तो आपकी जो मेमोरी पावर होती है, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसको ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे कि बच्चा चाहे कोई भी इंसान अपनी मेमोरी पावर को बूस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो बियर हेल्प्स कॉग्निटिव फंक्शन। जो बियर होते हैं ना, बियर के हमारे ढेर सारे मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस होती है। तो यार ये तो थी कुछ एडवांटेजेस ऑफ बियर ड्रिंकिंग बियर। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यार देखो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ना जिनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ना हो। अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में पी रहे हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप उसी चीज़ को अनलिमिटेड करते जाओ, लिमिट क्रॉस कर दो, सीधी सी बात है, वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूँ बियर की, तो याद रखिएगा कि बियर यीस्ट और ग्रेन, इन दोनों से मिलकर ही, मतलब इन दोनों की क्वांटिटी परसेंटेज ज़्यादा रहता है बियर में, जिसके कारण बियर में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की जो लेवल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और उसमें विटामिन बी का जो होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन बी होता है हमारे बियर में, और पोटेशियम होता है। विटामिन बी और पोटेशियम की जो परसेंटेज होती है वो उसमें कम होती है, और यीस्ट और ग्रेन में की ज़्यादा होती है। अगर आप अल्कोहल को ज़्यादा पी रहे हो, मतलब ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल इज़ बैड फॉर यू, आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखो, इससे होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा बियर पीने से ब्लड लेवल को, जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है, लीवर कैंसर तक को बढ़ा सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, इरेगुलर हार्ट बीट आपके हो सकते हैं, ब्लीडिंग होता है, लो ब्लड शुगर लेवल करता है, ओबेसिटी आपको कर देता है, और उसके बाद आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कि आप देखोगे, आप बहुत से आप आस पड़ोस में आप देखोगे, जब इंसान कोई ड्रिंक ज़्यादा अगर ड्रिंक करके आता है तो वो मतलब लोगों से लड़ाई करना, फैमिली में लड़ाई करना, बहुत से गलत गलत काम करता है। अगर वो ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल का डिसएडवांटेज यही है। अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में पी रहे हो, देन आपको जो मैं एडवांटेजेस बताया ये आपके साथ होता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जो बियर होता है, 2012 में एक स्टडी में ये पता चला कि इंसान को पर डे 60 to 70 मिलीलीटर बियर पीना चाहिए। पर डे की मैंने बात किया 60 to 70 ml, ये नहीं कि एक बोतल, मैंने एक बोतल की बात नहीं किया, मैंने 60 to 70 ml की बात किया। अगर आप पर डे पी रहे हो तब ये सब पीने से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और बियर आपका एक हर्ट हेल्दी हर्ट होता है, मतलब आपके हर्ट को ये हेल्दी करता है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि बियर के भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं। जो हेल्दी बियर होते हैं उनके ढेर सारे टाइप्स होते हैं। सो टाइप नंबर 1 की बात करूँ
तो गिनीज लाइट नाम का एक बियर होता है जो कि आपका एक अमेरिकन ब्रांड है। सेकंड ब्रांड की बात करूं कोरोना लाइट, ये कोरोना लाइट आपका भी अमेरिकन ब्रांड है। थर्ड ब्रांड आती है मिलर लाइट, ये भी एक अमेरिकन ब्रांड है। फोर्थ ब्रांड आती है एमिस्टर लाइट, ये भी एक अमेरिकन ब्रांड है। फिफ्थ आती है नेचुरल लाइट, ये भी अमेरिकन ब्रांड बियर है, बट ये सब हेल्दी बियर है। सेवन्थ आती है कोरोना प्रीमियर, ये भी अमेरिकन ब्रांड है। और एट्थ आती है मिलर 64 बियर, ये भी आपका एक अमेरिकन ब्रांड है। सो ये सब मैं आपको बताना चाहता था जो कि मेरे को पता था। एंड बहुत से लोग यार कमेंट करते हैं कि हमको आप बताइए कि बियर पीने के फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ बियर क्या होता है। सो ये सब आप देख लियोगे। और इसके बाद ये है कि आप प्लीज़ अगर बियर पी रहे हो तो लिमिटेड क्वांटिटी में बियर पियो, 60-70 ml पियो पर डे, जिससे कि आप हेल्दी रह सको। टू मच क्वांटिटी में आप कभी भी मत पियो बियर। जय हिंद।